हमीरपुर की, जहां पर सदर बस स्टॉप से रोडवेज से मुदहा जा रही महिला के बैग से सुमेरपुर के पास 30,000 रुपये के बैग चोरी हुए हैं। बैग में लगभग महिला ने रुपये न देख महिला ने पुलिस को जानकारी दी है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस में बैठे यात्रियों की जांच पड़ताल की। पुलिस को किसी भी यात्री के पास से चोरी हुए बरामद रुपये बरामद नहीं हुए हैं। रोडवेज बस में हुई चोरी से यात्रियों में हड़कंप मच गया। चोरी हो गई है सर, और बागी से बैठे हैं हमीरपुर डिपो वाले ने, फिर हमीरपुर से बैठे हैं मोदा के लिए, तो उसमें हो गए हमें भरुआ सुमेरपुर के बीच में। क्या चला गया? पैसे चले गए सर। कितना? 30,000। फिर उसके बाद अब चेकिंग हो रही है। घटना हुई कानपुर से, मैं किदवाई नगर डिपो की गाड़ी कानपुर से लेके महोबा जा रहा था, तो हमीरपुर से एक महिला बैठी, उन्होंने कहा कि मेरे 30,000 रुपये चोरी हो गए हैं। तो पुलिस द्वारा सुमेरपुर थाने में गाड़ी चेक की जा रही है।